उठो चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह रहे अब बस करो हैंड्री। जो जो भी कहते रहे मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हैंड्री। करो वो करो ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हैंड्री। मार्गरेट ने नया आधा पादा कौन पादा गेम खरीदा है, मुझे भी चाहिए। पर तुम्हारे पास तो कितने सारे कंप्यूटर गेम्स हैं हेनरी। लेकिन मुझे वो गेम चाहिए। ओ पक गया हूँ मैं मार्गरेट के बाजू में रह रहकर। कोई बात नहीं, अब तुम ज्यादा दिन मार्गरेट के पड़ोसी नहीं रहोगे। क्या बक रहा है कीड़े। डैड को नई नौकरी मिली है, हम नए घर में जा रहे हैं। हम घर छोड़ रहे हैं? यस, मार्गरेट से पीछा छूटा। नया घर ढूंढते समय मेरी कुछ बातें माननी पड़ेगी। हाँ बोलो। पहली बात, नया घर राल्फ के घर के पास होना चाहिए। ठीक है। और बगल में कोई भी लड़की नहीं रहनी चाहिए। वैसे नया घर तो इस घर से बहुत दूर होगा। हुरे! क्योंकि डैड को नौकरी दूसरे शहर में मिली है। क्या कहा, दूसरे शहर में? पर मैं जिन जिन को जानता हूँ वो सब तो यही रहेंगे, तो वहाँ सिर्फ पीटर मेरा दोस्त रहेगा। अभी तक सो रहे हो तुम, आलसी कहीं के। हाँ गुड मॉर्निंग मॉम। तुम उठ गए? हाँ। और तैयार भी हो गए? हाँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना हेनरी? आज स्कूल है ना, मैं लेट नहीं जा सकता। क्या? मुझे स्कूल पसंद है। क्या सच में? ओ हाँ, कितना कुछ सीखने को मिलता है। बाय बाय। इसे जरूर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हेलो मार्गरेट। क्या कर रहा है जफर, ये कोई तरीका है हेलो बोलने का? क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? क्या? नहीं। प्लीज यार, एक तू ही तो है मेरी सबसे प्यारी सच्ची दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तेरा दिमाग खराब है, लास्ट टाइम जब हम खेल रहे थे तूने मुझे उल्लू कहा था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और फिर तूने बोला था। पता नहीं मैं तेरे जैसे फ्रेंड के बिना कैसे रहूंगा मार्गरेट। तुझे नहीं पता मैं तुझे कितना मिस करूंगा। तो लगा कर दूंगी अगर फिर ऐसा किया तो। अब चल निकल यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, तू है ही भद्दी मोटी पागल उल्लू। हेलो हेलो हेलो, छोड़, जल्दी से सबको बुला। ठीक है। दोपहर को मेरे घर पर आना है, ठीक है? हाँ ठीक है। और उन्हें ये कहना होगा कि मेरे जाने के बाद वो मुझे कितना मिस करेंगे। पर तू तो यही है ना? हाँ हूँ, पर कल किसने देखा है? ओ अच्छा, इसके बदले मैं सबको च्युइंग गम दूंगा, समझे? हाँ समझ गया। काम पे लग जा। ठीक है। खाने को कुछ मिलेगा? मोम आ रही है, अब शुरू हो जाओ। ओह हेलो बच्चों। मैं तेरा मतलब हम सबका कहना है कि इसका मतलब है कि हेनरी के जाने के बाद हम उसे बहुत मिस करेंगे। हाँ सच में कितना अच्छा दोस्त है और काफी होशियार भी। अच्छा तुम भी यही सोचते हो बट? ऐसा क्यों? हाँ सही कहा, ये भी मिस करेगा। हम सब हेनरी को बहुत मिस करेंगे। वैसे तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है बच्चों। यस। पर हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम लोगों को कोई नया दोस्त बनाना होगा। हेनरी। अब मैंने क्या किया?
कुछ नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। मैंने सुना तुम यहाँ से जा रहे हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। सब लोग सुनो, मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या, तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो? नहीं, मैं जा रहा हूँ। और मैं अपनी चीजें बेच रहा हूँ। तो बोलो किसे चाहिए एक मजबूत स्कूल डेस्क जिसमें महान हेनरी बैठा था। है? कौन खरीदेगा तेरा फालतू डेस्क? और वैसे भी वो डेस्क तेरा नहीं। तो किसी ने 100 रुपए कहा? सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो हेनरी? हाँ, मिस बैटलैक्स। तुम यहाँ से जा रहे हो? हाँ, मिस बैटलैक्स। जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। ठीक है। ओ, ये क्या बात है, मेरे जाने से सब लोग खुश हो रहे हैं। डैड और मैंने ये सोचा है कि हम एक फेयरवेल पार्टी रखेंगे सब लोगों के लिए। ओह गुडी, क्या मैं इनविटेशन कार्ड बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो पीटर। तो क्या कहते हो हेनरी, तुम किस किस को बुलाना चाहते हो? किसी को नहीं। पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? सब लोग मिलकर मुझे नई नौकरी की खुशी में एक गिफ्ट दे रहे हैं। सच में? मैंने भी सोच लिया है, मैं भी अपने सभी दोस्तों को बुलाऊंगा। बीच से हट कीड़े। हेलो हेनरी। मैं ये कहने आया हूँ कि मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा। मेरे दोस्तों, काश मेरे पास कुछ होता जो तुम लोगों की याद दिलाता। जैसे कि? सोचता हूँ, जैसे कि आधा पादा कौन पादा वाला गेम। well, मुझे लगता है कि हम सब कुछ मिलकर। यस। और सैटरडे को मेरे घर पर एक पार्टी है, तुम लोगों के लिए सही और आखिरी मौका है मेरा गिफ्ट देने का। हट जा मेरे रास्ते से कीड़े, मेरा गिफ्ट आ गया है। वेलकम। ओ आप हो। थोड़ा स्माइल के साथ बोलते तो अच्छा होता। हम देखना चाहते थे कि तुम सच में जा रहे हो या नहीं। ओ वेलकम मेरा बेस्टेस्ट गिफ्ट। ओ मिस लवली। मिस लवली, आप आ गई। हाँ, और ये तुम्हारे लिए पीटर। थैंक यू मिस लवली। गिफ्ट के लिए बुलाता है लोगों को। कैसी हो हेनरिएटा? ओह नो, ये मेरी जिंदगी की सबसे बेकार पार्टी होगी। राल्फ और मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओह, पार्टी में स्वागत है। मुझे अच्छा लगा कि आपको खाना पसंद आया। राल्फ मेरा गिफ्ट लेके अभी तक नहीं आया। ऐसा क्यों? वाह, क्या दोस्त बनाया है मैंने। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि मैं और मेरा परिवार जहाँ भी जाएंगे आपको मिस करेंगे। मेरे सिवा मैं किसी को मिस नहीं करूँगा। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ये ले हेनरी, हम सब ने मिलकर खरीदा है। इतना सही गिफ्ट है ना कि क्या बताऊँ, देख ले पागल हो जाएगा। थैंक यू, शायद इसके बाद मैं तुम सबको मिस करूँगा। ये क्या है? ये है बर्फीला भालू। देख, इसको हिलाएगा ना तो बर्फ गिरेगी। बस यही है, ये देख के तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। गेम कहाँ है? नहीं, सॉरी हेनरी। अच्छा हुआ ऐसे फालतू दोस्तों से पीछा छूटा। बहुत हो गया हेनरी, अपने कमरे में जाओ। नो टीवी, नो पॉकेट मनी और नो चॉकलेट। सब कुछ बंद। हाय हेनरी। आने के लिए थैंक्स राल्फ। मुझे ये बोलना था कि मैं तुम जानते हो ना कल कि वो बोलना हेनरी कि कल जो मैंने बोला और जो तूने सुना। हाँ बोलना। मैं रास्ता दो, स्पेशल बनी से डब्बे में आ रहे हैं। तू समझ गया ना राल्फ? हाँ समझ गया हेनरी। चलो फिर मिलते हैं।
हाँ मिलते हैं राल्फ। एक आखिरी काम करना है मुझे जाने से पहले। जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये मुझे कभी भूल नहीं पाएगी। हेनरी एक खुशखबरी है, हम नहीं जा रहे हैं। क्या इतने सब नाटक के बाद? पार्टी में इतने लोगों को देखकर मेरे बॉस ने सोचा कि वो हमें अपने दोस्तों से दूर नहीं कर सकते, कुछ समझे हेनरी? तो हम नहीं जा रहे हैं, जैसा कि तुम चाहते थे। अब तो खुश हो ना हेनरी, तुमने वापस कुछ किया ना? खुशी से पागल हो रहा हूँ।